उपस्थित सभी हमारे समाज के लोग और जो ये आयोजन किया, मैंने पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आई हूँ, एक बार पहले भी आई थी, पर ये दलित सांसद जो ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम मैंने, क्योंकि पहली बार मैं सांसद भी बनी हूँ, पर जहाँ से बनी हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने के नाते मेरा दायित्व तो ये बनता है कि मैं इस कार्यक्रम में पहुँचूँ और वहाँ जाके मैं वहाँ कुछ मेरी बातें रखूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है महू है और महू से मैं सांसद हूँ। जब से मैंने समाज के प्रति तो दायित्व निर्वहन करती हूँ, पर सांसद के नाते भी बहुत सारा ऐसे काम होते हैं जो सांसद ही कर सकते हैं या सांसद करवा सकते हैं। तो जब बात आई अंबेडकर जी बाबा साहब की जन्मस्थली महू गांव बोलते हैं, पर पहली बार जब हमने सुना कि उनका जन्मस्थली, उन्होंने संविधान लिखा है, और जब यहाँ 3 दिन पार्लियामेंट में जब उनके संविधान के बारे में चर्चा हुई थी, तब मेरे दिमाग में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से थे और मैं वहाँ से सांसद हूँ, और जब वहाँ रेलवे कमेटी की भी मैं परामर्श की सदस्य भी हूँ, तो मेरा दायित्व जो बनता है सांसद होने के नाते कि वो नगर भी अम्बेडकर नगर हो, महू गांव नहीं हो, और जो रेलवे स्टेशन का नाम भी हो वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से किया जाए। मैंने बहुत जल्दी करने वाले आगे करना उन्होंने नहीं करा, वो मैं किसी पे वो नहीं करती हूँ, पर मेरा जो दायित्व मैंने वो निर्वहन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत, क्योंकि जब तक वहाँ के शासन उसका प्रस्ताव पास करके यहाँ तक नहीं भेजे तब तक नहीं होता, हमने उनसे भी कहीं भी मैंने 6 महीने के अंदर ये पूरा काम मेरा करवा लिया। आज वो अम्बेडकर नगर है और रेलवे स्टेशन से बाबा अम्बेडकर स्टेशन है, और यहाँ तक कि अभी हमने एक इंदौर में कार्यक्रम रखा, मैंने कहा कि वो छावनी भी है, जितने हमारे देश के लिए जो जवान जो लड़ाई करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ, और जो जन्मस्थली जिसने इस देश का संविधान लिखा है उन्होंने इतनी पड़तालना झली है, तो जितनी इंदौर जो ट्रेनें रुकती है वो अम्बेडकर नगर से ही वहीं से बने और वहीं जाए, ऐसी मैंने वहाँ बात रखी और बात वो मानी गई और अब उन्होंने तय कर दिया और बड़े स्टेशन की उसकी घोषणा भी कर दी, और अब जितनी ट्रेनें जो इंदौर जो रुकती है हमारे लोगों को वहाँ से यहाँ आना पड़ता था वो महू गांव रुकेगी। जहाँ तक समाज की बात आती है, हमारे यहाँ मेरा जो जिला है वो आदिवासी धार जिले से आती हूँ, और अभी अभी जो भैया ने बोला कि ऐसी महिलाओं पर जो उत्पीड़न होते हैं, हमारे इतने सख्त कानून है कि 15 दिन के अंदर उनको जिन्होंने इस तरीके की हरकत करी समाज के साथ, उनको खुद ने हमने इंसाफ दिलाया और उनको पैसे भी दिलाए और उनको तुरंत ही पूरे आजीवन कारावास सजा सुनाई गई 2-3 केस में, ऐसा नहीं कि वहाँ पर एक ही केस में, और हम पूरी तरीके से लगे एक तरीके से हट के, पर हमारा जब दायित्व ये बनता है समाज और सरकार का कि समाज की क्या क्या उनके साथ उत्पीड़न हो रहे उसमें हमको साथ देना चाहिए, उनकी लड़ाई लड़ना चाहिए और उनके साथ में दे और हम आवाज़ भी उठाएं। आज मैं मंत्री जी से भी मिली, माननीय गहलोत जी हैं हमारे मंत्री, मैंने कहा कि भैया वहाँ ऐसा ऐसा कार्यक्रम है आप जाओगे, बोले आप तो जाओ वहाँ बात रखो, अपन ने 1 में 16 में क्या क्या अपन ने किया है ये वहाँ जाके बताना, और हमने क्या क्या उन वर्गों के लिए करें, और ये कभी भी आप कहीं भी ऐसा ना सोचे, क्योंकि हमारी मैंने 2-3 हमारे संसद सदस्यों से चर्चा करी आज ही करी, तो उन्होंने ये कहा कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा और संभव भी नहीं है कि ये एक्ट खत्म हो जाएगा और जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको चुनौती दी, तो ये ऐसा नहीं होता क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको नहीं होगा तो हम अध्यादेश लाएंगे, बाकी ये कभी ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँ आज और कल की, मैं ऐसा नहीं कि मैं खूब अनुभव हूँ ये हूँ,
बाकी मैंने देखा है, हमारे साथ चौधरी साहब है, उनकी एक बिटिया है, ऐसा हम लोग यहाँ तो इकट्ठे हुए हैं। पर मैं आप लोगों को एक सुझाव भी देके जा रही हूँ, क्योंकि ये रेलवे का ये है। मैंने जब देखा कि हमारे जो कर्मचारी हो, चाहे जितने पढ़े लिखे होते होंगे, पर वो भी पीड़ित होते हैं। बहुत सारी जैसे हमारी महिलाएं हैं, कभी पदोन्नति भी होती है। अभी मैंने आज चौधरी जी से सुना तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को आपने फोन करके और इतना दबाव डाल के आपने करवा दी, पर वहां से चार बच्चियों ने छोड़ के नौकरी चली गई, अब वो हम तक पहुंच नहीं पाई। तो ऐसा हम एक वो बनाए ताकि शासन तक भी आवाज हमारी पहुंचे, और जितने जो हमारे लोग जो आज पीड़ित हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में वो रहते हैं वो तो पीड़ित है ही, पर कर्मचारी होके भी पीड़ित होते हैं। आज हमारे रिजर्वेशन में या हमारे आरक्षण में, इनमें कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ये कौन देखेगा? हमारे जो भी समाज के लोग हो, प्रबुद्ध लोग हो, ऐसे एक पूरे इंडिया लेवल पे एक कमेटी गठित कीजिए, और जो हमारी बात हमारी समाज की हमारी अधिकारी के बारे में बोले, सरकार कोई बात रखे, तो ये बातें आगे बढ़ती है। मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी से आती हूँ, बीजेपी में कभी भी नहीं महामंत्री ऐसे हमारे दलित समाज से बनाया जाता, पर उसमें पूरा एक्ट बना दिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कि अब महामंत्री या अध्यक्ष किसी को एक को आपको दलित समाज से लेना ही होगा, गहलोत जी ने इन्होंने। तो ये जब तक हम लोग हमारी बात अगर वहां तक पहुंचाने वाले नहीं रहेंगे, तो हम कितने भी यहाँ इकट्ठे होकर चिल्ला लेंगे, सब अपने घर चले जाएंगे, पर आगे लड़ाई के लिए भी हमको आज यहाँ विचार करना चाहिए, और आगे हमारी बात पहुँचाने के लिए कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे कर्मचारी होते हुए भी आज पीड़ित है। आज हम मां जो गांव में रह रहे वो समाज तो दलित समाज है ही, पर जो अच्छे पढ़े लिखे वर्ग वो पीड़ित है। आज मेरे साथ बैंक कर्मचारी गए थे, उनको मिलवाया भी मैंने, उन्होंने उनकी जो प्रताड़ना बताई है कि आज हम हमारे इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ और समाज के लोग जो सामान्य समाज से आते हैं वो लोग हमको प्रमोशन ही नहीं दे रहे। तो हर चीज तरीके से, तो हम लोग हम बात भी करें साथ में हर चीज का, इसका ये करके एक ऐसी कमेटी गठित करें जो सरकार तक हमारी बातें पहुँचे, हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी ऐसा हमारा वकील हो जो हमारे जो एक टके जो ऐसे खत्म करे, उनके लिए भी लड़े लड़ना चाहिए। आपने यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।